अप्रैल का महीना वैसे तो गर्मी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाला होता है, और उससे भी ज़्यादा गर्मी वाला महीना जून जुलाई का होता है। और जून जुलाई तक मानसून के वापस आने की जो संभावना है वो बन जाती है। 15 जून तक मानसून फिर से केरला के रास्ते भारत की ओर पड़ता है। और अभी आप देख सकते हैं कि अप्रैल का महीना चल रहा है, और अप्रैल के महीने में बारिश की गतिविधियाँ भी देश के कई हिस्सों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस भीषण गर्मी के बीच बारिश कहीं ना कहीं इस साल ऐसा आभास हो रहा है कि क्या मानसून जब आएगा देश में तो बारिश के समय क्या सूखे की स्थिति तो उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि इसके ऊपर अभी भी जो मौसम विज्ञान है वो आगे की जानकारी हम तक पहुंचा रहा है। चलिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 12 अप्रैल की कुछ स्थिति आप देख सकते हैं देश के मौसम के ऊपर। एक कमज़ोर WD इस समय बना हुआ है। 12 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि पर्वतीय इलाकों में कमज़ोर WD पहुंचेगा, तो हल्की से छिटपुट वर्षा पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर होगी, चाहे वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के इलाके हो। साथ ही साथ अब बात मॉइस्चर की कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से OWD का जो इम्पैक्ट है उसकी तरफ से आप देखिए कि राजस्थान के ऊपर मॉइस्चर पहुंच रहा है। तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावना भी प्रबल रहेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और दोपहर बाद जब मौसम बदलता है तो जो बादल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ओलावृष्टि के बादल भी डेवलप हो जाते हैं और ओलावृष्टि हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बारिश होने की संभावना है। बाकी देश के तमाम राज्यों में गर्मी का सितम जारी रहेगा, और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में जैसे केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। अब चलिए 13 अप्रैल की स्थिति को देख लेते हैं। 13 अप्रैल को देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ चुका है, तो बारिश भी अब देश के ऊपर से छटने लगेगी। और 13 अप्रैल को आप देखेंगे कि जो बारिश है वो छिटपुट स्थानों पर देखने को मिलेगी, जैसे कि ये पर्वतीय इलाकों में एकाधुका स्थान उत्तराखंड के और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी छिटपुट एकाधुका स्थानों पर बादल बन सकते हैं दोपहर बाद। राजस्थान के भी जो पंजाब, हरियाणा से लगे हुए इलाके हैं उन इलाकों में बादल बनेंगे। बाकी देश के तमाम राज्यों में शुष्क मौसम की संभावना है। हल्की बारिश आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में हो सकती है, बाकी तो बारिश की उम्मीद नहीं है। चलिए अब बात हम 14 अप्रैल की कर लेते हैं कि 14 अप्रैल को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। 14 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि WD आगे बढ़ चुका है और उसका इम्पैक्ट भी अब बहुत सीमित हो चुका है, कम हो चुका है। लेकिन अरेबियन सी से मॉइस्चर कहीं ना कहीं जो दक्षिण भारत के राज्य हैं और मध्य भारत के राज्य हैं उन राज्यों को प्रभावित करेगा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रमुख तौर पर मुंबई, महाराष्ट्र का जो इलाका है वो आ रहा है, नासिक, ठाणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, अकोला, इन तमाम इलाकों में आप देख सकते हैं कि बादल डेवलप होंगे और वर्षा होने की संभावना बन रही है। और गरज चमक के साथ लाइटिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं 14 अप्रैल को। और 14 अप्रैल को जब बारिश होगी तो दोपहर बाद ही मौसम करवट लेगा और व्यापक वर्षा कई कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता, और पूर्वोत्तर भारत सहित आसपास के तमाम इलाकों में शुष्क मौसम की संभावना है। हल्की बारिश नेपाल और चीन से लगे हुए इलाकों में हो सकती है, बाकी तमाम जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। और चलिए अब 15 अप्रैल की स्थिति की हम बात कर लेते हैं। तो 15 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के कुछ इलाकों में जो नेपाल से लगे हुए हैं उन इलाकों में एकाधुका स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका मैंने आपको जिस प्रकार से बताया महाराष्ट्र का है, और साथ साथ अब ये बारिश का फैलाव यहाँ देख सकते हैं बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं उन इलाकों में भी बारिश होगी, और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी बादल पहुँच सकते हैं। और साथ साथ आप देख सकते हैं गोवा व आसपास के इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है आप देख सकते हैं 15 अप्रैल को। और 15 अप्रैल को दक्षिण के जो केरला, कर्नाटक के इलाके हैं उन इलाकों में भी बारिश होने की संभावना बन रही है। बात 16 अप्रैल की कर लेते हैं कि 16 अप्रैल को देशभर में कैसा रहेगा मौसम काल। तो 16 अप्रैल को आप देखेंगे कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ पर्वतीय इलाकों पे पहुंच जाएगा, और इसका इन्फेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। WD कहीं ना कहीं पर्वतीय इलाकों में जब पहुंचेगा तो आप देख सकते हैं कि जो ये पर्वतीय इलाके हैं इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में छिटपुट मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। बाकी आप देख सकते हैं कि बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से इनकार नहीं किया जा सकता, और बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं कि पूरी राजस्थान के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगी, साथ साथ मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आपको देखने को मिल सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूरी राजस्थान के इलाके शामिल है। छत्तीसगढ़ के भी कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है, और महाराष्ट्र के भी तमाम इलाकों में बारिश होगी, साथ साथ केरला, कर्नाटक के इलाकों में भी बारिश होने की संभावना बन रही है। चलिए अब हम बात 17 अप्रैल की कर लेते हैं। तो 17 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी इंटेंस हो जाएगा, और इसके इंटेंसीफाई होने के कारण आप देख पाएंगे कि ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके हैं इन इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है, और ये जो उत्तराखंड के इलाके हैं, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के इलाके, इन इलाकों में भी मध्यम से भारी वर्षा एक दो स्थानों पर हो सकती है। राजस्थान के इलाके भी प्रभावित होंगे, क्योंकि मॉइस्चर पहुँचेगा, तो मॉइस्चर पहुँचने के कारण यहाँ पर तीव्रता से बारिश भी पड़ने वाली है। और बारिश का जो दायरा है वो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के इलाका है, इन इलाकों में बारिश होने की संभावना बन रही है, जिसमें बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन इलाकों में बारिश होगी। और ये आप देख सकते हैं कि छिटपुट वर्षा ओडिशा के कुछ इलाकों में हो सकती है, और पूर्वोत्तर भारत के भी इलाकों में बारिश होने की संभावना बन रही है। बाकी दक्षिण में केरला और कर्नाटक के इलाकों में बारिश होने की संभावना है। गोवा और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है। 18 अप्रैल की बात करें तो 18 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि WD फिलहाल वहीं पर बना हुआ है जहां था, और इसका इन्फेक्ट भी आप देख सकते हैं कि ये जो पर्वतीय इलाके हैं इन इलाकों में देखने को मिलेगा। और कुछ इलाके आप देख सकते हैं जैसे कि दिल्ली, NCR और पंजाब, हरियाणा के ये जो इलाके हैं, राजस्थान के भी कुछ इलाके, इन इलाकों में बारिश बढ़ेगी और दोपहर बाद मौसम बदलेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो महाराष्ट्र के इलाके हैं, महाराष्ट्र के ये जो इलाके हैं और मध्य प्रदेश के दक्षिणी इलाके, इन इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी। और दक्षिण में फिलहाल जिस प्रकार से गोवा और कर्नाटक और केरल के इलाकों में बारिश होने की संभावना है।
चलिए अब 19 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो 19 अप्रैल को आप देख सकते हैं कि जो WD यानी कि पश्चिमी विक्षोभ था वो काफ़ी ताकतवर होते हुए अब इस प्रकार से आगे बढ़ा है, और इसके आगे बढ़ने के कारण आप देखिए कि बारिश काफ़ी बढ़ चुकी है। आप देखेंगे कि 20 अप्रैल को पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना बनेगी, और भारी वर्षा से कहीं ना कहीं जानमाल का खतरा भी होने की संभावना है। लेकिन इस पश्चिमी विक्षोभ से आप देख सकते हैं कि हवाएं इस प्रकार से भारत के जो मैदानी इलाके हैं उन तक पहुंचेगी, तो बारिश का दायरा भी बढ़ेगा। आप देख सकते हैं ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके और पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके, इन इलाकों में बारिश होने की संभावना 20 अप्रैल से रहेगी। और दक्षिणी मध्य प्रदेश में भी बारिश काफी हो सकती है, और ये जो छत्तीसगढ़ के इलाके, महाराष्ट्र के इलाके, इन इलाकों में प्रभावित होने की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश के भी छिटपुट इलाकों में जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं उन इलाकों में बारिश होने की संभावना है, और दक्षिण में फिलहाल बारिश की उम्मीद बरकरार है। उड़ीसा और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। चलिए अब 20 अप्रैल की बात कर लेते हैं। तो 20 अप्रैल को भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका आप देख सकते हैं पर्वतीय इलाकों में बन रही है, जिसमें उत्तराखंड के भी इलाके शामिल है। उत्तराखंड में आप देख पाएंगे कि ये जो तमाम इलाके हैं इन इलाकों में भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलेगी। जम्मू कश्मीर के इलाकों में भी कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो यात्रा कर रहे लोग उनके लिए सावधानी की आवश्यकता होगी। और ये जो दिल्ली NCR और पंजाब, हरियाणा के इलाके हैं इन इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। दोपहर बाद ओलावृष्टि होने की संभावना है, तो सावधानी की आवश्यकता इन लोगों को भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम बदलेगा, साथ साथ जो पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाके हैं वहाँ पर मौसम बदलेगा। पूरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में मौसम के बदलने की जो संभावना है वो देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं मौसम में एक प्रकार से बदलाव काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होने की संभावना है। यानी कि हम गर्मी का जिक्र जिस प्रकार से कर रहे थे वैसा साबित नहीं हो रहा है, बारिश तो होने की संभावनाएं बन रही है। 21 को आप देखिए, 21 को भी मौसम उसी प्रकार से बना रहेगा। हालांकि बारिश राजस्थान के इलाकों में बनने वाली है, श्रीगंगानगर और आसपास के इलाकों में बारिश में बढ़ोतरी होगी। दिल्ली NCR में भी भारी बारिश होने की संभावना बन रही है, तो कहीं ना कहीं मौसम में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा है, और ये बदलाव क्लाइमेट चेंज को जो है वो बढ़ावा देता है। और क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं इस प्रकार से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारे लिए मुश्किल ही बढ़ जाएगी। उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होगी।